अस्सलामुअलैकुम जी। इस वक्त हम चौधरी हसन गोंदर साहब की छत में मौजूद हैं, आलमपुर गोंदरा, जो कि तहसील खारिया में वाक़ है। 18 सितंबर 2020 को 15 कबूतरों के टूर्नामेंट में इन्होंने एक टूर्नामेंट में दो टूर्नामेंट में सेकंड पोजीशन। कौन कौन से टूर्नामेंट थे जी? नॉर्वे डेनमार्क टूर्नामेंट और नॉर्वे कप और नॉर्वे कप और अपने शौक में थर्ड पोजीशन हासिल की। इन पंद्रह कबूतरों की वीडियो ये आपने देखी है, इनमें से जो सबसे आखिर में कबूतर बैठे हैं हसन भाई, वो पकड़ के दिखाएं। एक मदी बैठी है, ये देखें इसी तरह हसन गोंदर साहब की। इस मादा ने इस टूर्नामेंट में सबसे अहम किरदार अदा किया, शाम की परवाज़ देकर टूर्नामेंट में सेकंड पोजीशन दो टूर्नामेंट्स में और एक में थर्ड पोजीशन हासिल की, फयाज धोरिया साहब वाले टूर्नामेंट में अपने शौक में। हसन भाई, ये मादा आपके घर की है? जी, घर की। किस नस्ल से ये तलग रखती है? ख्यालकोट से। ख्यालकोट से। और ये कितने बजे बैठे टैडी? ये कबूतर भी शाम को 6:27 पे बैठे टैडी कबूतर, ये भी घर का कबूतर है। ऐसा में किस उस्ताद के शागिर्द हैं आप जी? उस्ताद जुबैर भट्टी। उस्ताद जुबैर भट्टी साहब कहाँ से तलब रखते हैं? लाहौर से। लाहौर से, माशा माशा, बहुत अच्छा कबूतर है। तो 25 तारीख वाला आप हमारा टूर्नामेंट उड़ा रहे हैं? सुपर चैंपियन आप पंजाब में हिस्सा लेने जी आप हैं। तो इनमें से ये जो कबूतर खड़े हैं, आपको सबसे ज्यादा कौन सा पसंद है कबूतर? अपना जो सबसे ज्यादा हॉट फेवरेट है? ये टैडी कबूतर फेवरेट है। ये वाला ये मदी जो है आगे वाली का, ये तो है ही जनाब। कोई कितने साल से आप शौक कर रहे हैं? 20-25 साल से आप लगातार के टूर्नामेंट भी उड़ाते रहे हैं, विन हिट की बाजी भी उड़ाते रहे हैं। बाजियाँ पर रखा है 2004-05 में, 2010 के बाद मैंने नहीं मारा। काफ़ी बार टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। माशाल्लाह, ठीक हो गए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आज आपको चौधरी हसन गोंदर साहब के कबूतर का शौक करवाऊंगा। और ये जिस कबूतर का मैं शौक करवाने लगाऊँ, ये 10 नंबर कबूतर है। 10 नंबर कबूतर बहुत से लोगों ने रखे हुए हैं, लेकिन ऐसा कबूतर आपको बहुत कम देखने में मिलेगा। आज शौक करवाए इसका। ये चौधरी साहब की बेटी साहब के असल पुराने 10 नंबर कबूतर हैं। उम्मीद है कि शौकीन हजरात इस कबूतर को देखकर एक अच्छे कबूतर की पहचान सीख जाएंगे। कबूतरबाजी में सबसे ज़्यादा जो किरदार है वो बगल का है, आँख के बाद बगल। माशाल्लाह इस कबूतर की इंतहा से अच्छी है। ऐसन भाई, कितने साल हो गए इसको आपके पास? तकरीबन 2-3 साल हो गए, 2 साल हो गए। ये खुद कबूतर है, इसका माँ बाप है? खुद ही कबूतर है। और ये कौन सा अंग्रेज कबूतर है? ये अंग्रेज वैसे हमें। इसका क्या रिजल्ट है अंग्रेज कबूतर का? इसका माशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट है। सितंबर का मौसम है, कुरीद में कबूतर लगे हुए हैं, इसलिए पर मुकम्मल ना है। तक नहीं बनाई।
किसे बनाने दी नहीं करेगी दिखाओ ये कबूतर अभी तक का ऐसे सारे कबूतर ने साथे सारे एक अच्छा एक कितने साल का तूने ये बहुत पुराने बहुत माशाल्लाह बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे हैं जी एहसन साहब इस कबूतर की और ये काबिल तारीफ भी है सलारा कबूतर अख वेखो नहीं मिजा पुरु सलारा लैके आने जोगन वाला ठीक जोगन वाला लैके जोगन वाला ओ जोगी लैके मुंडा सलारा बहुत अच्छा पल्ला इस कबूतर का क्या बात है मारूफ जोगी इसका क्या रिजल्ट है हसन भाई सही जेठ में बहुत अच्छा रिजल्ट है कितने बजे तक इसके बच्चे उड़ जाते हैं हमारे पास जेठ में तकरीबन शाम तक उड़ते रहे शाम तक उड़ने यदि मादी चक रहे हैं रमीद जोगन मादी चक रहे ना जोगन आज इतना नहीं होता शाम निकल शाम हाँ जी मियां नजीर साहब वाली मादी का शौक है इस कबूतर की क्या रिजल्ट है जी सही लगा है इसके सारे नया लगाया ये पहले भी इसके बच्चे उड़े हैं पहले भी इसके उड़ते रहे हैं लेकिन अभी ये लगे पहले जो कबूतर है उसका दूसरी लग गई थी मादी अच्छा अच्छा बड़े नहीं